नमस्ते, संगीता शर्मा के किचन में आपका स्वागत है। त्योहार आ रहे हैं तो आज मैं बनाऊंगी मठरी। ये मठरी खाने में बहुत ही खस्ता होती है, तो आइए मठरी बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता है देखते हैं। तो मठरी बनाने के लिए हमें चाहिए एक कप मैदा, आधा कप गेहूं का आटा, आधा कप सूजी, आधा चम्मच जीरा, आधा चम्मच अजवाइन, छोटा आधा चम्मच काली मिर्च पाउडर, एक पिंच हींग, नमक स्वाद अनुसार, तेल मुरण के लिए। सबसे पहले बाउल में हम मैदा डालेंगे, गेहूं का आटा, रवा, जीरा, अजवाइन, काली मिर्च पाउडर, हींग, नमक स्वाद अनुसार। सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें ऑयल डालेंगे, इसको हाथ से अच्छे से मिक्स करेंगे। अच्छे से हमने मिक्स कर लिया है। इसमें मोरन थोड़ा अच्छे से चाहिए ताकि ये क्रिस्पी बने। अब हम इसको गुनगुने पानी से गूंदेंगे। इस डो को हम 10 मिनट के लिए ढक के रख देंगे ताकि अच्छे से आटा सेट हो जाए। 10 मिनट हो गए हैं, हमारा मठरी का डो तैयार हो गया है। अब हम इसकी मठरी बनाना शुरू करेंगे। इस तरह से बना के हम रख लेंगे लोई। मठरी का आटा ज़्यादा नरम नहीं लगाना है, रोटी के आटे से कड़क लगाना है। मठरी बना के तैयार करेंगे, तब तक हमारा तेल गरम कर लेते हैं। अब हम इसकी एक बड़ी रोटी बना लेंगे बेल के। मठरी के लिए रोटी हमें थोड़ी मोटी बेलनी है, क्योंकि मठरी मोटी अच्छी लगती है, खाने में बहुत खस्ता लगती है, इसलिए रोटी को मोटी रखना है। किसी भी छोटी कटोरी या ढक्कन किसी से भी हम इसको गोल गोल इस तरह से काट सकते हैं, ताकि एक सरी का सभी मठरियों का आकार आए। इस तरह से हम इसको काटा चम्मच से या चाकू से गोद देंगे ताकि ये फूले नहीं और अच्छे से अंदर तक सिक जाए। पलट के भी हम कर देंगे इसे इस तरह। हमारा तेल गरम हो चुका है, गैस की आंच मीडियम ही रखें और एकदम कम आंच पर मठरियों को सेकेंगे। हल्के हाथ से इनको पलट देंगे। गोल्डन ब्राउन होने तक इनको सेकना है। ये देखिए हल्की गोल्डन ब्राउन हो रही है, थोड़ा सा और इनको सिकने देंगे। ये मठरी देखो गोल्डन ब्राउन कलर की सिक गई है। अब हम इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे। जब हम घर में ही बिस्किट की तरह मठरी बना सकते हैं, तो बाजार से क्या लाने की जरूरत है। ये मठरी बहुत ही जल्दी बनती है, इसमें टाइम बिल्कुल भी नहीं लगता है। इस मठरी में आप चाहे तो कसूरी मेथी भी डाल सकते हैं, चाट मसाला भी डाल सकते हैं। ये देखिए हमारी मठरी बनके तैयार हो गई है और कितनी खस्ता बनी है। इस मठरी को आप चाय के साथ भी खा सकते हैं या नाश्ते में कभी भी खा सकते हैं। तो आप भी ये मठरी ट्राई कीजिए और अपने अनुभव लिखकर मुझे बताइए, और मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए। अगली रेसिपी के साथ मैं फिर आऊंगी। धन्यवाद।